दोस्तों अभी जनपद सीतापुर के महमूदाबाद तहसील में पहुंचे हैं और आज हम अहमदाबाद यहां पे बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश वर्मा, उनका आज तहसील में जो है अधिवक्ताओं का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें जिला सीतापुर से जिला जज यहां पे पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं कि भारी व्यवस्था में यहां पे सभी अधिवक्ता। क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार वर्मा। आज यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह, ऐसी जानकारी मिल रही है, किस प्रकार की जो यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं और किसके इंतजार में आप लोग यहाँ पे बैठे हैं? जानकारी तो हमने पत्रकार संघ के जो अध्यक्ष हैं उनको पहले दे दिया था कि सभी पत्रकार महोदय को सूचना हो जाए, इसलिए आपको सूचना पहले से होना चाहिए। तो यहाँ पे आज किसके इंतजार में अभी आप लोग खड़े? हमारे मुख्य अतिथि जो है जनपद न्यायाधीश महोदय है, उन्हीं के इंतजार में खड़े हुए हैं। इंतजार में यहाँ पे सभी अधिवक्ता हैं और सबसे बड़ी आपको बात बता दें कि आज शपथ ग्रहण समारोह में आज पहुँचेंगे जिला जज सीतापुर से और सभी जो अधिवक्ता हैं वो शपथ ग्रहण समारोह में जो है शामिल होने के लिए सभी देखिए कि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने मुख्य अतिथि का। क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पे पहुँच रहे हैं मुख्य अतिथि जिला सीतापुर से, जिला जज से यही कहेंगे कि हमारे यहाँ आए जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी है उसको बधाई दें और फिर अपने मुख्य अतिथि के इंतजार में सभी अधिवक्ता जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आज हम देखते हैं कि आज ये जो जिस तरीके से अधिवक्ताओं में एक एकता रहती है, ये शायद आपको किसी भी संगठन में एकता देखने को मिलेगी, लेकिन ये जो अधिवक्ता संगठन है, ये अगर एक अधिवक्ता पर किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो सभी अधिवक्ता जो है एक साथ खड़े मिलेंगे। आज आपको हम महमूदाबाद तहसील के अधिवक्ताओं से मिला रहे हैं। आज अभी हम द्वारा बनाए गए नियमों की निष्ठापूर्वक पालन करते हुए के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा और एसोसिएशन की एकता तथा बार एवं बेंच के बीच सामंजस्य बनाए रखूंगा। बहुजन भाई गुप्ता जी पधारे हुए हैं, इनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इनको अपने मत में पा करके हम अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और इसी बीच हमारे शपथ ग्रहण समारोह में जो महासचिव जी है कि महमूदाबाद लायर्स एसोसिएशन महमूदाबाद जिला सीतापुर के द्वारा बनाए गए नियमों की निष्ठा पालन करते हुए अध्यक्ष के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा और एसोसिएशन की एकता तथा बार एवं बेंच के बीच सामंजस्य बनाए रखूंगा। अधिवक्ता मीडिया कर्मी, सभी मेरी बहने, आज हम सब लोग सफल समारोह में उपस्थित हुए। मेरी नई कार्यकारिणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और जो निवर्तमान कार्यकारिणी है उससे मेरी बहुत बहुत अपेक्षाएं हैं कि वे नई कार्यकारिणी का सहयोग करें और उनके हर साल कदम से कदम मिला। अभी बताया कि जो है यहाँ के न्यायालय के लिए भूमि, हमने जो है न्यायालय की भूमि जैसे हमको दिखाई दी, हमने तुरंत जिलाधिकारी से देख कर हमने अपने स्टाफ को भेजा, अधिकारी को भेजा, उन्होंने देखा जमीन पसंद कर, हमने जिलाधिकारी से कहा, उन्होंने हमारे पक्ष में नामांकन कर दिया, हमने उसका जो है तुरंत लेआउट करवाया, हमने जो है माननीय न्यायालय को लिए स्वीकृति के लिए भेज दिया। जैसे ही हमारे ले आउट स्वीकृत हो जाएगा उसकी तुरंत हमने जो है बाउंड्री का हमने उसको भेज दिया है, उसकी बाउंड्री का हम बजट बनवा के तुरंत जो है माननीय उच्च न्यायालय को भेज दिया और जब भी
माननीय उच्च न्यायालय हमसे जो है सीतापुर या किसी भी बाहर न्यायालय के संबंध में कोई भी हमसे पत्र व्यवहार करेगा, हम उसका जो है तथ्यों के साथ में उसका जो है माननीय उच्च न्यायालय को उसका जो है जवाब रिसीव करेंगे। और मैं सभी जो है मंशा सिंह अधिवक्ता गण, अहमदाबाद बार एसोसिएशन और सीतापुर बार एसोसिएशन के सभी इसमें विश्वास कोहली और सभी का नव वर्ष के इस उपलक्ष पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है और मैं कोई राजनीतिक भाग भी नहीं हूं। हम जनपद से सबसे दूरस्थ तहसील के रहने वाले लोग हैं, जैसा कि हमारे कई अध्यक्षों ने अपनी बात में रखा, सीतापुर आना जाना बड़ा दूर और बड़ा कठिन काम है। हमारी भी जिला जज साहब से अनुरोध है और जहां तक मेरी जानकारी है कि निर्माण के लिए बजट राज्य सरकार को ही देना होगा, प्रस्ताव यूनिवर्सिटी भेजेगी और धन जारी करने का काम वित्त विभाग को करना होगा कानून मंत्रालय के माध्यम से। जमीन का अधिग्रहण हो चुका है, हमारा आग्रह है कि बहुत जल्दी यहाँ पर हमारे जो अन्य सिविल के अलावा जो बच्चे बननी हो बन जाए तो निश्चित तौर पर महमूदाबाद के लोगों को सीतापुर जाने से बचेगा, समय बचेगा और उनको राहत। मुझे लगता है इस संसार में हर व्यक्ति परेशान, गांव का वादकारी आता शहर वादकारी आता वो समझता है कि वकील साहब मिलने हमारा काम हो जाएगा, वकील साहब अपने के लिए परेशान हो। हम आपको प्रोडक्शन मिले इस एक्ट का वो बनाया जाए लागू किया जाए इसके लिए आपके समर्थक है। उस निमा उस मांग पत्र को तो हमने नहीं देखा, लेकिन अगर वो मांग पत्र उपाधिकारियों पर लागू होगा तो उसके विपरीत आप अगर प्रोडक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, अगर वह एक उपाधिकारियों पर लागू होगा तो मैं उसका विरोध करता हूं, बाकी सब पर लागू हो उसका मैं समर्थन करता हूं। हमारे बड़े भाई साक्षी जी ने कहा कि 70 वर्ष, थोड़ी राजनीतिक बात आ गई, मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा। मांग उससे की जाती जो पद पर होता पूर्ण से नहीं की जाती, मांग उससे की जाती जो पद पर होता है पूर्ण से मांग नहीं की जाती है। कोई पंडित नेहरू मांग थोड़ा करेंगे, नमूनाती यादव से करेंगे, आप सरकार में तो सरकार में है तो 70 साल बात नहीं चलेगी। 70 में कांग्रेस में रही, मेरा दल विधानसभा में रहा, भाजपा में रहे, कांग्रेस में रही, लेकिन निर्णय सरकार को करना। आज आगे कोई सरकार होगी पीछे कोई सरकार होगी उसको कुछ नहीं करता, लेकिन मैंने पहले कहा कि उस एक्ट में अगर वादकारियों पर एक्ट लागू हो रहा तो कृपा करके आप उसे वापस ले। अब हम जिससे कि हमारे जज साहब भी बैठे हैं, सिविल जज भी बैठे हैं, हम लोग भी अनेक मुसीबत पड़े, हम चार पुलिस करें, कत्ल करें, बलात्कार करें, राजनीति करें, किसी जमीन लिखा ले हमारे ऊपर एक्ट लागू हो जाए कोई दिक्कत नहीं। हम तहसील में तहसील और एसडीओ के पास बिजली की समस्या को लेकर जाए और सरकारी कार्य बाधा लिखा दे और जैसे हमें 2 साल चला कर दे, हम चुनाव नहीं लड़ सकते, हम किससे गए। हम तहसील में ज्ञापन देने आए कि साहब राहत का पैसा नहीं बढ़ा, गन्ना का भुगतान नहीं हुआ, गन्ना का मूल्य नहीं बढ़ा, सड़क नहीं बनी, सीवर खराब है, ट्यूबवेल खराब है और एसडीएम साहब नाराज हो जाए जिन्होंने हमारे कार्यालय का घेराव कर दिया, सरकारी कार्य बाधा, हमको 2 साल सजा हो जाए, हम क्या करें। अरे हम बंद थोड़ा कर रहे हैं। इसीलिए पॉलिटिकल लोगों को आपने देखा कि जब से ये एसडीएम से हटना कोई सजा हो गई, रेल रोको आंदोलन की सजा हो गई, बिजली को पावर हाउस की सजा हो गई, अस्पताल की सजा हो गई, तो जब वो चुनाव नहीं हो पाएगा तो कहा जाएगा। जब चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा तो काहे वो पार हो जाएगा, काहे तहसील जाएगा, काहे वो पीडब्ल्यूडी ऑफिस जाएगा, काहे वो जल निगम जाएगा, वो क्यों जाएगा। पर मूल हमारा काम चुनाव लड़ा, हम लड़ नहीं पाए सजा हो जाएगी। इसलिए हम भी इस फोरम पर एक चीज कहना चाहते हैं कि जो भी सरकार आज हो या कल हो या वो भी कम से कम जनप्रतिनिधियों को या समाज सेवकों को यह अनुमति दे कि हम क्राइम क्रिमिनल केस करें तो हमें फांसी हो,
हमें सात बार सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कोई एजुकेशन मूवमेंट में करते हैं तो हमें ये दो साल की सजा और चुनाव से अलग काम खत्म होगा। आज के अवसर पर आप यहाँ आए, निश्चित तौर पर हमारी बार प्रकट करें। एक अंतिम बात अपने मित्र से कह करके, चुनाव के समय चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे नगर पालिका का हो, या कोई चुनाव, एक हमारी भी मांग है कि कम से कम विभिन्न राजनीतिक दल, चाहे वो राष्ट्रीय हो और चाहे स्टेट के, उनका जो घोषणा पत्र होता है उसको हर हाल में हमारा जो निर्वाचन आयोग होता है वहां पर सुरक्षित रखा जाना चाहिए। और जो घोषणाएं उन्होंने की है कि आगामी पांच वर्षों में सरकार आएगी इसको हम पूरा करेंगे, अगर पूरा नहीं करते तो उनके मान्यता रद्द होनी चाहिए। हम आते हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, जनता को हमने ठग लिया, और अगर उसको नहीं कर पाए तो हमारे दल की मान्यता रद्द होनी चाहिए, ये मेरी भी मांग। चुनाव में हम जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, दल के नाम पर वोट करते हैं, नाली खड़ा के नाम पर वोट करते हैं, क्या हमने शिक्षा के लिए कभी वोट किया? आज भी अटली साहब जी ने कहा कि हमारा महमूदाबाद शिक्षा की बुलंदियों पर जा रहा है, लेकिन कौन स्कूल जा रहे हैं? वो जा रहे हैं जहां पर पढ़ाई होती है। क्या हमारा कोई प्राइवेट कॉलेज जा रहा है? छतगिरी जा रही। तो निश्चित तौर पर हमारी आपसे विनती है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी, चिकित्सा के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में बार बार बात उठी गाजर की, महमूदाबाद वाले हमसे कहा तुम गाजर वाले, हमने मेरे माने गाजर माने हीन भावना करके गए, और हमारा सीतापुर आधा गाजर है, हीन भाव के हम गजर रह गई। आज के अवसर पर आप पलायन पर, चिकित्सा पर और जनपद न्यायाधीश महोदय, मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह बघाली, अहमदाबाद सिटीजन, यहां बैठे हुए सीतापुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री चंद्रपाल गुप्ता जी, भाई प्रियेश वर्मा जी, कुछ और बातें भी आपने कही हैं, मैं शपथ को ध्यानपूर्वक पढ़ा रहा था। इसमें हम सबको शपथ लेते समय जो हमारा नियम कानून है उसका भी हम पालन करेंगे, इस बात का भी आपने उल्लेख किया है। वास्तविक हित सर्वोपरि मानकर प्रत्येक अधिवक्ता काम करता है, और वास्तविक भी आपके ऊपर सर्वाधिक भरोसा करता है, मैं घर वाले से भी ज्यादा भरोसा करता हूं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, सादे कागज पर दस्तखत कराकर अगर किसी ने विश्वास अर्जित किया है तो अधिवक्ताओं ने अर्जित किया है, इनके वकील इनके वादकारी सादे कागज पर सिग्नेचर करके उनको दे जाते, जब सादे कागज पर सिग्नेचर करके दे जाते हैं उतनी ही जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए जितना भी काम होता है अधिवक्ताओं के द्वारा, कई बार राजस्व के न्यायालयों में, कई बार प्रशासन के अधिकारियों से, कई बार अन्य स्थानों पर थोड़े से संघर्ष की भी स्थिति हो जाती है, लेकिन वह संघर्ष की स्थिति पब्लिक इंटरेस्ट में ही हमेशा होती है, ऐसा मैं मानता हूं। बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ बातों का जिक्र हुआ है इसलिए उन बातों का अगर संदर्भ नहीं होगा तो हमारे महासचिव जी सीतापुर वाले सोचेंगे कि शायद बच के निकल गए, हमारे हरीश जी भी कहे कि वाजपेयी जी से सिफारिश करा दीजिए। आप कभी भी जिस समय रिजल्ट आता हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का अखबार उठा करके देखेंगे तो महमूदाबाद के विद्यालयों के जितने नाम आते हैं टॉपर्स की लिस्ट में, टॉप 10 में, वो शायद दूसरे स्थानों पर नहीं आते। और आदरणीय वाजपेयी जी का जो विद्यालय सीक्रेटर वाले उसने तो इस बार कमाल कर दिया, हाई स्कूल की जो टॉपर प्रदेश में आई वो हमारे महमूदाबाद की थी, ये हमारे सबके लिए गौरव का विषय है। और इसलिए हम केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, यहाँ लॉ कॉलेज भी है, और इसलिए अभी तो ये छोटी बार है, मैं समझता हूँ कि 5-7-10 साल बाद ये बार बहुत बड़ी बार हो जाएगी, क्योंकि जो अधिवक्ता पढ़ करके आएंगे वो तो निश्चित रूप से अच्छे वकील बन करके
लोगों की अच्छी सेवा करने का काम करेंगे। ये अहमदाबाद का वो स्थान है जो देश के विभाजन के साथ भी जुड़ा है, शत्रु संपत्ति की भूमि भी यहाँ पर पर्याप्त है और इस नाते भी अहमदाबाद कहीं ना कहीं नाम आता है। लेकिन आज के युग में अगर हम कहें तो इस अहमदाबाद में मां संकटा देवी धाम में विराजित एक 12-13 देवी देवताओं की मूर्तियां और अभी तो फिर से प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, 6-7-8 मूर्तियां फिर से विराजित होने वाली है। तो ऐसे वह जो भव्य स्थान है, उस भव्य स्थान पर जो यज्ञशाला बनी है, मैं समझता हूं प्रत्येक नागरिक के लिए दर्शनीय है और ऐसे स्थान पर आप आ रहे हैं इसके लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं तो यहां पर रहने वाला हूं विधायक, बाराबंकी जिला गेट वे ऑफ अयोध्या हो गया है। आज चारों तरफ से जैसा 22 जनवरी का शानदार उत्सव होने वाला है उसमें बाराबंकी को भी चारों तरफ के रास्ते सजा करके आप सबके स्वागत अभिनंदन के लिए तैयार होने वाले विधायकों में से हम सब हैं और इसलिए मैं इस नाते भी आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अधिवक्ता अंजलि श्रीवास्तव जी हैं जो हमारे शिविर साहब का अभिनंदन करके स्वागत करें। हमारे बीच में सीता इंटर कॉलेज के प्राचार्य संचालक और मां शंकरा देवी धाम के प्रबंधक आदरणीय रमेश वाजपेयी जी उपस्थित हैं, उनको अपने बीच में पाकर हम बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं और वो हमारे माननीय आदित्य जी का शपथ लेता हूँ कि अहमदाबाद लायंस एसोसिएशन अहमदाबाद जिला सीतापुर के द्वारा बनाए गए नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए बोली के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा और एसोसिएशन की एकता तथा बार एवं बेंच के बीच